जय एकलिंग जी। दोस्तों क्या हाल है आपका? आप आई होप सब बढ़िया होंगे। ये सामने तालाब है, खूबसूरत सा तालाब है। उस साइड है सास बहू का मंदिर जो मैंने आपको दिखाया है, और इधर है एकलिंग जी का मंदिर, और इधर पहाड़ी के ऊपर है खिम्मज माता का मंदिर। ठीक है, और बहुत ही गजब की यार पहाड़ी के चारों ओर ना पहाड़ी है, और पहाड़ी के बीच में ओ वाह बतख तिर रही, देख रहे हो आप? ये बतख भी नहीं है, ये ब्लैक है, कुछ और है, नाम मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन खूबसूरत बहुत लग रही है। ठीक है, एकलिंग जी के वहाँ चलते हैं। बप्पा रावल का पनोरमा भी दिया हुआ है वहाँ पे, तो देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ होता है। ठीक है, मिलते हैं आगे। पहाड़ी का एक पेनोरमा व्यू लेके बताता हूँ आपको, इतनी गजब का है। ओ भाई साहब, ये आवाज़ भी आ रही है खतरनाक वाली, देख लीजिए। ऐसा लग रहा है जैसे डेकोरेशन किया हुआ, यहाँ से गजब खतरनाक वाली खाई है ना। ठीक है, यहाँ इधर ही है एकलिंग जी का मंदिर, चलते हैं। दोस्तों यह मंदिर मेवाड़ के संस्थापक बप्पा रावल द्वारा 7वीं-8वीं शताब्दी में बनाया गया था, और इसे बचाने के लिए बहुत युद्ध लड़े गए थे। आप एकलिंग जी मतलब उदयपुर आओ और एकलिंग जी के नहीं आओ तो बहुत बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो। अंदर से बहुत भव्य मंदिर है, और अंदर से इतना भव्य मतलब आप वीडियोग्राफी अंदर फोटो वीडियो अलाउ नहीं है, लेकिन बहुत ही गजब का भव्य है अंदर। और मुगलों ने यहाँ पे भी आक्रमण किया था, लेकिन इसको बचा के रखना बहुत कठिन काम था, लेकिन बचाया फिर भी, और दोबारा इसका जीर्णोद्धार हुआ है। फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल, फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल चल चल। ये बादल की चादर, ये तारों के आंचल, मैं छुप जाए। दोस्तों ये देलवाड़ा गांव है, और जैन देलवाड़ा जैन मंदिर है। नाथ द्वारा से अगर हम आते हैं तो एकलिंग से 7 किलोमीटर पहले ही ये गांव आता है, और इसी में अभी ये नया मंदिर बन रहा है। एक पुराना मंदिर और है, वो भी मैं आपको वहां चल के दिखा दूंगा, है ना। बंद है सब, नया बन रहा है, अंदर काम चल रहा है पूरा, है ना। क्षेत्रपाल देवता अंदर काम चल रहा है, बहुत खूबसूरत बनाया गया है। देलवाड़ा जैन मंदिर है ना, एक तो माउंट आबू में है, ये देलवाड़ा गाँव है, देलवाड़ा गाँव है, और यहाँ पे मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत। ये देलवाड़ा गांव में पुराना जैन मंदिर है, और नया जैन मंदिर अभी वो बन रहा है। पेनोरमा, बप्पा रावल का कुछ इतिहास बताया गया यहाँ पे, यहीं पे आगे, और जगह कुछ ऐसी है। यहाँ पे माइंस भी है, ब्लैक ब्लैक राजस्थान ब्लैक की माइंस भी है यहाँ पे, और ये रास्ता है। मेन गेट बंद किया हुआ है, लेकिन हमें मेन गेट से क्या करना है, हमें तो अंदर जाके देखना है, बस देखना चाहिए। तो मैं आ गया अंदर, बप्पा रावल की एक बड़ा घोड़े पे स्टेचू लगाया हुआ है, पीपल का पेड़ है, यहाँ पे फोटोग्राफी वगैरह हो रही है। ये देखो मेवाड़ संस्थापक बप्पा रावल, सामने स्टेचू है बप्पा रावल की, स्टेचू आप देख सकते हैं ना, और ऐसा कुछ बनाया हुआ पहाड़ी के बीच में है, बनाया गया है खूबसूरत, लेकिन आपको क्या बताएं, मजाक हो गया, बंद है अभी, काम चल रहा है, लेकिन अभी शायद आगे तैयार हो जाएगा। अगर देलवाड़ा और एकलिंग जी के बीच में है परावल का ये मतलब पेनोरमा, छोटा सा बोर्ड लगा है ऐसे कुछ पहाड़ियों के बीच में।
लॉक लगा पड़ा है, बप्पा रावल पनोरमा लॉक लगा पड़ा है। स्टेचू आप देख सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है।